उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा रेट एक्सप्रेशन और रेट कॉन्स्टेंट रेट एक्सप्रेशन यानी कि रेट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको के एक्सप्रेशन का तरीका बताया था याद है तो सेम फार हम आज रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि रेट किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं या रेट कांस्टेंट किस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं उसकी रेविएशन क्या है तो जैसा कि बेटा हमें पता है मैं एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ ए रिएक्ट विद द बी टू फॉर्म सी एंड डी ये क्या है बेटा आपका सी एंड डी बन रहा है तो विलासिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू मास सेक्शन एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी जो रिएक्टेंट साइड है उस पर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर रिएक्टेंट साइड बढ़ाओगे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी याद आ रही है बेटा तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ विलासिटी जो है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ़ बी यानी कि रिएक्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी को मैं अगर हटा दूं तो याद रहे बेटा मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि अब डी एक्स और डी टी क्या है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ डी एक्स डी टी आपके पास है रेट तो रेट बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू के अब के कहाँ से आया ये प्रोपोर्शनलिटी मैंने हटाई ये प्रोपोर्शनल हटा के मैंने के दे दिया दैट इज द के द दी या फिर इसी से के रेट वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं बेटा अब अगर ये जो कंसंट्रेशन है कहाँ पर बेटा रिएक्टर से कंसंट्रेशन अगर आप वन मोल डीएम क्यूब ले रहे हो वन मोल डी क्यूब ले रहे हो तो यहां रखोगे वन 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 मोल डीएम क्यूब वन मोल डीएम क्यूब अगर ऐसी कंडीशन हो तो याद रहे बेटा डीएक्स डी टी किसके बराबर होगा K के बराबर होगा डीएक्स डी टी किसके बराबर होगा जस्ट के के बराबर होगा अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट कहलाएगा अब दो चीजें आ गई एक स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट एक रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट के लिए शर्त नहीं है कि कंसनट्रेशन कितनी हो टू मोल थ्री मोल फोर मोल पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए शर्त है और वो शर्त क्या है कि यूनिटी हो यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो वन मोल पर वन मोल हो किसकी रिएक्टेंट साइड की अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन मोल डीएम क्यूब हो उस समय के क्या कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट कहलाएगा अगर दो चार पांच मोल हो या इससे ज्यादा मोल्स या फिर कम मोल हो तो याद रहे बेटा वो टर्म जो है वो रेट कांस्टेंट तो कहलाएगा पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नहीं कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए शर्त है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टन शुड बी वन मोल डी एम में आ रही है उसके बाद हम रेट एक्सप्रेस बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन ये आपका रेट ऑफ के वैल्यू था अब हम रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे अगर कोई रिएक्शन दिया जा रहा हो बस मार ये ये तो सर डेरिएशन थी जो मैंने अब करवाई अब हमें रेट एक्सप्रेशन की बात करूंगा कोई इक्वेशन दी जा रही हो तो इसको हम रेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था रिएक्शन मिला हो आप प्रोडक्ट को छोड़ दो आप सिर्फ रिएक्टेंट पे फोकस करो किस पे फोकस करना है रिएक्टेंट पे तो आर किसके बराबर होता है मैं यहाँ पे और लाइन दस आर इक्वल्स टू तो के ऑफ आर ये आपके सिंपल डेरिवेशन बन गई आप छोटी आर किसको करेगी एक्सप्रेस रेट एक्स, रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगी के रेट कांस्टेंट को और बड़ी आर रिएक्टेंट साइड को शो करेगी दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट ये क्या है बेटा आपके पास रिएक्टेंट है तो बड़ी आर रिएक्टेंट को शो करेगी छोटी आर रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगी और के कांस्टेंट को शो करेगी अब कोई भी क्वेश्चन हो मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा और आप किस तरह से करोगे वो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड चेंज हो रहा है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड प्लस क्लोरीन के अंदर सही तो डी एक्स ओवर डी टी इस ये क्या है रेट यानी कि छोटी आर इक्वल्स टू के अब रिएक्टेंट साइड आ गया पी सी एल फाइव तो आपने इस तरह से एक्सप्रेस किया एग्जाम्पल टू एन ओ प्लस ओ टू फॉर्मेशन ऑफ टू एन ओ टू डी एक्स डी टू के एन ओ क्या दिया मैंने बेटा पावर मैं कैसी टर्म में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अगर कोफिशेंट हो तो पावर में तो एन ओ टू पावर यहां पे दो मोल से टू देन ओ टू यहां पर क्या है ओ टू इस तरह से आप एक्सप्रेस आसानी से रेट कर सकते हो तो बहुत आसान है रेट एक्सप्रेस कर, एक्सप्रेस करना कोई भी हो रिएक्शन आप इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो आई होप ये पॉइंट्स आपको सुन में आई होंगी उसके बाद एक और टर्म होता है रेट ऑफ़ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीरेंस। तो रेट ऑफ़ डिस और रेट ऑफ अपीरेंस है क्या